नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं एग्री ग्रो YouTube चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलीफ्लावर यानी फूल गोभी को गमले में कैसे तैयार करें, हाउ टू ग्रो कलीफ्लावर इन पॉट। बहुत सरल तरीका है, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आपको हम दिखाने वाले हैं कैसे कैसे आपको तैयार करना है, किन तरीकों को आपको अपनाना है। यहाँ पर आप प्लास्टिक के बर्तन ले सकते हैं, यानी जो पॉट आपको लेना है वो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं और आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, मिट्टी का बर्तन हो या प्लास्टिक का बर्तन हो, नीचे जगह खाली होनी चाहिए, यानी एक छेद होना चाहिए। अगर आपके कुछ बर्तन इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के पोल्ट्री फार्म के बर्तन होते हैं, या पोल्ट्री फार्म के बर्तन भी आप ले सकते हैं। निचला हिस्सा आपको काट देना है, या फिर मिट्टी का बर्तन है तो उसमें छेद बना देना है ताकि अतिरिक्त पानी उसमें भराव ना हो। अधिक पानी भराव से पौधे जाते हैं। जो पॉट यानी बर्तन आपने ले रखा है उसके नीचे आपको पुआल लगा देना है। पुआल लगाने से बेनिफिट ये रहता है कि बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ती और लंबे समय तक अच्छी नमी, जो पर्याप्त नमी रहती है पौधे के लिए, वो बनी रहती है और हमारा जो पॉट है वो अधिक धूप में भी गर्म नहीं होता है और पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अतिरिक्त जो पानी होता है वो भी आसानी से नीचे से निकल जाता है। इसके बाद गमले में हम मिट्टी और कंपोस्ट खाद भरेंगे। कंपोस्ट खाद में आपको ध्यान रखना है, अच्छी सड़ी हुई पुरानी यानी ठंडी कंपोस्ट खाद को आपको लेना है। ताजी अगर आप कंपोस्ट खाद लेते हैं तो वो गर्म होती है, जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद आपको ले लेना है। उसमें मिट्टी को और कंपोस्ट खाद को आपको मिला देना, या फिर कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, पहले मिट्टी का भाग डालें, फिर कंपोस्ट खाद का, फिर मिट्टी का, फिर कंपोस्ट खाद का, और मिक्सचर भी चाहें तो आप मिक्सचर बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो गमला होगा उसमें क्या रहेगा, जब पौधे को आप रोपित करेंगे उसकी जड़ें जितना जितना नीचे तक जाएंगी, यानी पहले उसको विकास करने का मौका मिल जाएगा मिट्टी में, फिर उसको पोषक तत्व मिलेंगे, थोड़े समय के बाद फिर पोषक तत्व मिलेंगे, ऐसे पौधे का विकास काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप लेयर बनाकर कंपोस्ट खाद डालते हैं तो उसकी जो विकास क्रिया है वो निरंतर बढ़ती ही रहती है। इसमें आपको बार बार उड़के देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम आपको ऑर्गेनिक तरीके से बताते हैं, जैसा कि आपको अपडेटेड वीडियो भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से गमले तैयार होते हैं और गमलों में जो कलीफ्लावर यानी फूल गोभी तैयार होती है काफ़ी स्वस्थ और अच्छी होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहती है। इसे हम अपने घर पर भी, कहीं पर भी और छत पर भी हम उगा सकते हैं, आसानी से इसको उगाया जा सकता है, कोई काफ़ी इसमें मेहनत की आपको ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से आपको मिट्टी भर लेनी है। मिट्टी भरने के बाद जो आपके पौधे हैं उनको आपको ट्रे से निकाल लेना है। अगर आपने ट्रे में पौधों को नहीं बो रखा है, ज़मीन में बो रखा है, तो उसको आप अच्छी तरह से निकाल लें, जो जड़ें हैं सारी जड़ें निकल आएँ, मिट्टी समेत आपको निकाल कर उसमें रख देना है। ध्यान रखें, अगर आपका पौधा टेढ़ा है तो आपको टेढ़ी स्थिति में उसकी जड़ लगा कर पौधे का जो मेन हिस्सा है जिसको आपको ऊपर रखना है उसको हो सके तो बीच में ही रखें, क्योंकि अगर हमारा पॉट छोटा है तो उसमें जो विकास होगा, जो फ्लावर आएगा उसका विकास होने में दिक्कत हो सकती है। अगर बीच में रहेगा तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रहने पर काफ़ी अच्छा विकास करता है। तो इस तरह से आपको पौधे लगा लेना है। पौधे लगाने के बाद हल्की आपको वाटरिंग कर देनी है। ध्यान रखें, जब तक पौधों का विकास अच्छे से शुरू ना हो जाए, क्योंकि हमने अभी ट्रांसप्लांटिंग की है, पौधा नाजुक है, ऐसे में पौधे खराब होने, सूखने इत्यादि की समस्या बनी रहती है। तो ध्यान रखना है, जब आप पौधे को लगाएं करीब 2 या 3 दिन इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, हल्की धूप मिलने के बाद इसे छांव वाले स्थान पर रख दें और अधिक जलभराव आपको नहीं करना है। बारिश अगर हो रही है तो भी आपको बाहर इसको नहीं रखना है। इस तरह से आपके पौधे विकास करने लगेंगे। आगे की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएँ ताकि अगला अपडेटेड वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। खेती बागवानी से जुड़े और भी कई सारे वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं, उनको एक बार आप जरूर देखें। अगर कोई सहायता या सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।